अब एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर। बरेली के पास भीषण सड़क हादसे में 22 लोगों की बस के अंदर जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे में 13 लोग जख्मी हुए हैं, जिनमें से करीब आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है। हादसा उस समय हुआ जब रजऊ गांव के पास गलत दिशा में जा रही बस सामने से आ रही ट्रक से टकरा गई। टक्कर से बस का डीजल टैंक फट गया और आग लग गई। हादसे के समय बस का गेट बंद था, जिसके बाद लोग बस से बाहर नहीं निकल सके और अंदर ही जिंदा जल गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह भीषण आग बस में लगी है। ट्रक से टक्कर हुई, डीजल टैंक फटा और टैंक के फटते ही बुरी तरह से आग पूरी बस में फैल गई। दरवाजा बंद था, पीछे का दरवाजा बंद था, एक ही दरवाजा था, लोग निकल नहीं पाए और जिंदा 22 लोग जलकर दफन हो गए इसी बस में। बहुत ही दर्दनाक हादसा। जो घायल थे, जिनको निकाला जा सका, उनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ट्रक की हालत देख सकते हैं, उससे देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी भीषण ये टक्कर है और उसके बाद फौरन बस में आग लग गई। 22 लोग इस पूरे हादसे में जिंदा जल गए, 15 लोग जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बॉडी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोर्चरी के लिए आई हैं, वो 22 बॉडी यहाँ पर पूरी तरह से जली हुई, जिनके लिंग के बारे में भी पता नहीं चल रहा है, जो यहाँ रखे गए हैं। और 15 मरीज जो चोटिल थे, घायल थे, वो यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल सिद्ध विनायक में भर्ते हैं, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। उसमें से एक सीरियस है, जिसको लखनऊ रिफर किया गया है।